आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन में हैं, जो कि माइटी पेविलियन में लगा हुआ है हॉल नंबर 4 में। और यहाँ हम लोग आधार स्टॉल पे हैं, जहाँ पे हम लोग आधार के बारे में बताएंगे। और हम लोग यहाँ पे ये शोकेस कर रहे हैं यहाँ पे कि आधार जो है फाइनेंशियल एड्रेस है अभी इंडिया में। पहले ये डिजिटल आइडेंटिटी था, डिजिटल आइडेंटिटी के क्षेत्र में क्रांति थी। यही एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जो कि वेरीफाई किया जा सकता था, वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट था थ्रू फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन और आयरिस ऑथेंटिकेशन। इसमें हमने एक नया मॉडर्निटी स्पेस ऑथेंटिकेशन भी लॉन्च किया है, जिसके बारे में हम अभी बताएंगे आपको। उससे पहले फाइनेंशियल एड्रेस में हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपके पास अगर आधार से आपका बैंक अकाउंट लिंक्ड है, तो जो विलेज में या फिर बहुत दूर के इलाके में लोग रहते हैं, जो कि अपने आधार से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं फिंगरप्रिंट के द्वारा, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। दूसरी चीज, अगर किसी को यूपीआई पेमेंट करना है, तो वो अपने आधार के थ्रू ओटीपी जनरेट करके यूपीआई का अपना लॉगिन बना सकते हैं और उसके बाद यूपीआई स्टार्ट हो सकता है। और किसी को अगर अपने अकाउंट में पैसे चाहिए किसी स्कीम के थ्रू, जैसे भारत में अभी 1700 स्कीम्स सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स रन हो रही हैं, जो कि आधार इनेबल्ड हैं और आधार के थ्रू इनका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, तो ये सारी फैसिलिटीज आप उठाने के लिए आधार का होना जरूरी है। और आधार अभी बाकी चीजों को भी यूनिक बना रहा है। अगर ये पैन कार्ड के साथ जुड़ जाता है, तो चूंकि इसमें बायोमेट्रिक एड्रेस है, लोगों की बायोमेट्रिक डिटेल्स है उसमें, तो ये पैन कार्ड को और अलग चीजों को भी यूनिक बना देता है। फेस ऑथेंटिकेशन, जैसा कि सर ने बताया, एक नया मोडालिटी है अपार्ट फ्रॉम फिंगरप्रिंट एंड आयरस। ये एक ऐसी मोडालिटी है जो कि बेनिफिशियरी रेसिडेंट को टचलेस कॉन्टैक्टलेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए हेल्प करती है। जैसे कि हमने अभी रिसेंटली लास्ट ईयर हमने लॉन्च किया है जीवन प्रमाण, जिससे एक पेंशनर घर बैठे अपने आप को ऑथेंटिकेट करके लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकता है। इसके अलावा अभी रिसेंटली पीएम किसान में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए भी फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से फार्मर्स को ये फैसिलिटी दी जा रही है। धीरे धीरे ये फैसिलिटी और बढ़ाने की और UIDAI कोशिश कर रहा है, और इससे रेसिडेंट्स को बिल्कुल आने वाले वक्त में फायदा मिलेगा। कोविड के बाद ये एक ऐसी मोडालिटी थी जिसको लाना बहुत जरूरी था। UIDAI में फेस ऑथेंटिकेशन इन हाउस डेवलप किया गया है, जिससे कि टचलेस कॉन्टैक्टलेस ऑथेंटिकेशन का फैसिलिटी रेसिडेंट्स को दिया जा रहा है।